वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको खुश रखे, सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। तो आज नवरात्रि के पहले दिन पर मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। तो आज मैं बनाऊंगी समाक के चावल की बर्फी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और झटपट बन जाती है, और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा कप समाक के चावल। ये समाक के चावल वही वाले हैं जो हम व्रत में खाते हैं। तो इसे हम पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। तो पानी से धोने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में। तो पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, क्योंकि अब हमने इन चावलों को बॉईल करना है। तो पहले हम बॉईल करेंगे पानी को। तो एक कढ़ाई में मैंने 1.5 कप पानी डाला है। पानी आप इसमें कम ही डालें। तो पानी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। उसके बाद हमने जो चावल रखे हुए थे वो चावल हम इसमें डाल देंगे, और चावलों को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। चावल में मैंने कुछ और नहीं डाला है, इसमें और कुछ नहीं डालना, हमने सिर्फ पानी और चावल डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। और ये चावल जल्दी बॉईल हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट में ये बॉईल होकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट हो गए थे, चावल हमारे अच्छे से पकने लग गए हैं। अगर आपको इसमें पानी कम लग रहा है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दें, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये गीले गीले हो जाएंगे। पानी हम इसमें कम ही रखेंगे ताकि ये खिले खिले बने। तो मैं इसको ढककर 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छे से पक जाएं। तो देखिए, 2 मिनट हो गए थे और चावल भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये हल्के से गीले लग रहे हैं, लेकिन ये जब ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल पानी को सोख लेते हैं। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और चावल को भी चेक कर लेंगे कि चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं कि नहीं। तो चावल हमारे अच्छे से गल गए थे, अच्छे से पक चुके हैं। तो बस चावलों को हम ढक देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो चलिए अब बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन। इसमें मैंने डाला है 1/4 कप पानी। पानी को हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। इसके बाद इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा मीठा आप पसंद करते हैं। तो इसके बाद चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे बॉईल होने देंगे। तो हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला था। देखिए, चाशनी बन गई है और इधर हमारे चावल भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हमने जो चाशनी बनाई थी, उस चाशनी को हमने चावलों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाले हैं मैंने बारीक कटे हुए बादाम, और बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून देसी घी डाला था, और इसके बाद इसमें 1/2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। कोकोनट का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। कोकोनट आप इसमें ज़रूर डालकर देखिएगा। तो बस सभी चीज़ों को हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो देखिए अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास स्टील की प्लेट है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लिया था। इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे एक पेपर, तो मैंने ये बटर पेपर था मेरे पास तो मैंने ये रख लिया था। इससे क्या है कि जो बर्फ़ी हम बना रहे हैं तो ये इजीली बर्तन में से निकल जाती है, चिपकती नहीं है नीचे। तो बस सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे हमने अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस करते ही डालें ताकि जो बर्फ़ी है वो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो आप इस तरह की कोई कटोरी ले सकते हैं, उससे हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते, और आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने इसको बर्फी की शेप दी है। तो अब मैंने इसमें नाइफ से कट भी कर दिए हैं, तो ये क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है तो इसके इजीली पीस कट हो जाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो फिर पीस कट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो पहले से ही इसके एक निशान लगा लें। तो बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए और ये सेट हो गई थी। तो अब हमने धीरे से इस पेपर को निकाल लेना है। तो ये बहुत ईजिली निकल जाता है, अगर आप पेपर लगाकर इस तरह से इसे बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगी। बर्तन में क्या होता है ना कि कई बार ये चिपक जाती है नीचे और निकलती नहीं है। तो इस तरह आप बटर पेपर लगाकर इसे बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो एक बार मैं इसके जो हमने निशान बनाए थे उस पर हम दोबारा एक बार कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है और पीस भी बहुत अच्छे कट हुए हैं। तो मैं सभी पीस को निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप व्रत में इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, क्योंकि ये माके चावल की बनी है तो आप इसे व्रत में खा सकते हैं। और अगर आप इस बर्फ़ी को किसी और को खिलाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि ये माके चावल की बर्फ़ी है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो रेडी है हमारी समाक के चावल की बर्फ़ी, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली। और खाने में ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्योंकि हमने इसको समाक के चावल से बनाया है तो टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस तो होएगा ही, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।